वो एक बहुत ही संस्कारी दिन था, सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक से एक बहुत ही असंस्कारी घटना घटी। उसने चॉकलेट का रैपर खोला लेकिन अंदर चॉकलेट ही नहीं थी। यार ये क्या, तुम बच्चों की कहानियां सुन रहे हो? आजाद होने का सोचो। जितनी किताबें पढ़ोगे उतने ही आजाद रहोगे। पढ़ना यही हमारे संस्कार है और आजादी की खिड़की भी यही है। जितना पढ़ोगे उतना आजाद होगे। आजाद है ये। वाह वाह, पहली बार मैं डाल्टन्स के हाथों में किताबें देख रहा हूँ। ये क्या कर रहा? देख नहीं रहा, गड्ढा खोद रहा हूँ। संस्कारी मैडम ने कहा है हमें किताबों से आजादी मिलेगी। अकल के दुश्मन, उनका कहने का मतलब था किताबें पढ़ने से आजादी मिलेगी, किताबों से खोदने से नहीं। अब चलो जल्दी से पढ़ना शुरू करो। ये क्या है? ये एक तर राजा के आज आज पहले पांच उन्हें 5,000 साल पहले क्या हुआ? क्या हम आजाद हो गए? अब तक तो नहीं है। पढ़ते रहो। हम अभी भी यही है और नहीं आजाद हो गए क्या? हम अभी भी यहीं पर हैं। भाई जल्दी से उठ जाओ, मिल गया एक मस्त आइडिया। हम वैसे ही भागेंगे जैसे ये चूहा पिंजरे से भागा था, मर के। मुझे पता है डाल्टन्स ने फिर भागने की कोशिश की होगी। उससे भी बुरा हुआ। ये सब तो टपक गए, कल तो बेचारे किताबें पढ़ रहे थे। स्टैचू वाला गेम, हिला मत, मैं भी खेलूंगा। खाना तैयार है, आ जाओ। खाना मैं आ रहा हूँ। एक बंदा आउट हो गया। चलो सब इमरजेंसी। डाल्टन्स फिर से मर गए। दूसरा राउंड। सॉरी भाइयों, मुझे माफ करो, मैं अपने आप को पैसों के आगे रोक नहीं सका। हम सभी की कोई ना कोई कमजोरी है। मैं फिर जीत गया। जेलर साहब, इमरजेंसी। बस अब बहुत हुआ, हम साइंस की हेल्प लेके पता लगाएंगे कि सच क्या है। जो आउट। जैक आउट। विलियम तुम भी आउट। बकवास, उस चूहे वाली किताब में सब कुछ बेकार लिखा था। डाल्टन्स, तुम्हारे लिए एक बुरी खबर है, एवरल हमारे। तीसरा राउंड कब शुरू होगा बताओ ना। ये शायद अब इस दुनिया में नहीं रहा। इतनी मेहनत करने के बाद आराम करना बनता ही है। मेरे भाई। खाना तैयार है। पहली बार तुम हमारे किसी काम आ रहे हो एवरल। बस ये मरने का नाटक चालू रहने दो ताकि हम यहाँ से भाग सके।
नाटक, लेकिन मुझे बहुत भूख लगी है। कम खाएगा तो पतला नहीं हो जाएगा। एक्चुअली मुझे पतला होना है। हाँ तो फिर बाद में खा लेना। अरे नहीं नहीं, खाना तो मुझे अभी चाहिए। मैं तुम्हें बाहर बहुत सारा खाना खिलाऊंगा, लेकिन पहले तुम अपनी आखिरी इच्छा लिखो कि तुम्हारा अंतिम संस्कार हम तीनों अपने गाँव में ही करें। वो करने हम बाहर जाएंगे और बाहर से फिर। एवरेल जो बहुत खाना खाता था, अब वो हमारे बीच नहीं रहा। इसका मतलब अब हम सबको भरपेट खाना मिलेगा। मैं ये नहीं देख सकता। गार्ड्स, दरवाजा खोलो। रुक जा। एवरेल ने अपनी अंतिम इच्छा लिखी थी कि उसे वो दीवार के सुरंग से बाहर निकाला जाए जो वो कभी पार नहीं कर सका। तो नहीं जा रहा इसमें से। नहीं, इसे जाना ही होगा, वरना भाग नहीं पाएंगे। मैं दूसरी तरफ जाके कोशिश करता हूँ। तुम धक्का देना, चलो धक्का दो। बहुत भारी है। मुझे लगता है ये तीन लोगों का काम नहीं है। अरे तो मैं हूँ ना छोटा, मिलकर काम करेंगे भाइयों। अकल के दुश्मन, अगर तू ना होता तो हम कब के भाग जाते। मेरे किताब।